ये मशहूर मुल्तान का फवारा चौक है अब्दाली रोड पे, और मैं इस टाइम ढूंढ रहा हूँ हाफिज हलवे वाले की शॉप। अच्छा एक चीज़ और मैंने नोट की, इधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रक्शे बहुत ज़्यादा हैं इधर, और गरीबों की सवारी नहीं है चिंची जो 10 रुपये में बैठ के बंदा कहीं चला जाए। अब यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको कम से कम 100-150 रुपये जो ना चाहिए होते हैं। और ये दिखाता हूँ आपको कि यहाँ कौन कौन से इलाके हैं करीब। बड़ी बसें देखी हैं मैंने, स्टेशन के पास देखी थी, और वैसे शहर के बीच में तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। अब मुझे जाना है कैंट, और चिंची तो कोई मुझे नज़र आ नहीं रहा है, ना कोई बस आ रही है उस हवाले से कि मुझे वहाँ तक पहुँचा सके। ये चिल्ड्रन अस्पताल है, चिल्ड्रन अस्पताल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ मुल्तान। तो देखते हैं किस तरह पहुँचते हैं कैंट तक। मैं सोच रहा था कि खाने में अगर हलीम हो जाए कूसी हलीम तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, वो भी उसी इलाके में ही है। और चलते चलते मुझे लगता है कि मैं कैंट पहुंच गया हूँ, मुझे रक्शे टैक्सी की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई 3 किलोमीटर में चल चुका हूँ और मज़ा आ रहा है। वार्म अप हो गया हूँ काफ़ी ज़्यादा, अब अंदर से पसीना बहना शुरू हो गया है। देखते हैं हाफिज की जो मेन ब्रांच है वहाँ चल के देखते हैं कि वो हमें परमिशन देते हैं नहीं देते। क्योंकि फवारा चौक पे जो इनकी शॉप थी उन्होंने कहा कि ये हमारी ब्रांच मेन नहीं है, मेन ब्रांच हमारी कैंट में 12 मार्केट के सामने, बस अभी वहीं चलते हैं। और मेरी गलतफहमी थी कि मैं कैंट पहुंच गया हूँ, अभी मैंने मालूम किया है तो उन्होंने कहा इसी रोड पे सीधे चले जाओ, सीधे सीधे अभी नहीं पहुँचे आप कैंट। और ये मेरे ख्याल से बोड़ा स्ट्रीट है जिसमें मैं चल रहा हूँ इस टाइम। अच्छा मैंने खुद ही ना, ये वजह नहीं है कि पैसे बचाने के लिए, बल्कि मैं खुद ही मेरे का ज़रा मेरे पास टाइम भी है और आज मैं बाइक पे नहीं हूँ तो मुझे ऐसे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, मैंने जाके ट्रेन लेनी है या बस से जाना है तो ऐसे रात का कोई टेंशन नहीं थी मुझे। तो मैंने कहा क्यों ना आज पैदल एक्सप्लोर करें, क्योंकि पैदल घूमने में ज़्यादा जो ना चीज़ें बंदा देखता है, वजह ऐसे कि मैं रक्षा टैक्सी या बसों में जाके सफ़र करता तो ये सब कुछ जो मैं देख रहा हूँ इतनी तसल्ली से वो सब नहीं देख पाता। और बड़ा अच्छा रोड है, जैसे कि अगर हमारे चनमन रोड है जैसे फैसलाबाद में, या शहीद मिलत रोड है कराची में, इस तरह का ही रोड है। थोड़ा सा पोश लग रहा है एरिया मुझे ये, और मुझे लग रहा है कि ये शायद ये पुराना मुल्तान नहीं है, नया शुरू हो गया है। तो अभी देखते हैं और कितना दूर है, चलते हैं सफ़र। और ये मेरे पीछे देख रहे हैं होटल रमादा, होटल रमादा इसी भोड़ा रोड पे शायद मेरे ख्याल से, तो और भी होटल होंगे। अगर आपको मुल्तान में आके रहाइश का मसला है तो आप होटल आ जाएं। और ये देख रहे हैं साथ चनमन टावर है इसी रोड पे। जी जी, ब्रांडेड शॉप्स हैं सारी इधर, जैसा कि देख सकते हैं प्लाजा बने हुए हैं 2-3 एक साथ। अच्छी रोड है ये वैसे, मज़ा आ रहा है, और मज़ा इसलिए भी आ रहा है कि दरख्त लगे हैं, उसका साया है दरख्त का, धूप बहुत तेज़ हो गई आज, दिल कर रहा है अपर उतार दूँ। अच्छा एक चीज़ होती है जो लोग होते हैं ना वो बहुत काउंट करते हैं किसी भी शहर के ना, तो अगर लोग कोऑपरेटिव होना तो फिर
आपको मज़ा आता है, अच्छा लगता है। लेकिन अगर लोग ज़्यादा कोऑपरेटिव ना हो और आपको अच्छा रिस्पांस ना मिले तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है। लेकिन मुल्तान के अब तक तो मुझे लगे सही हैं लोग। लेकिन जो ट्रैफिक का सिस्टम है वो लाहौर जैसे ही है। जो लोग यहाँ चलाते हैं इस तरह गाड़ियाँ जैसे लाहौर में चलाते हैं ना, जगह नहीं देते दूसरे को, बिल्कुल इसी तरह ही है। और ये कार्डियोलॉजी है मुल्तान की। और जी माजरत के साथ गलत इन्फॉर्मेशन देने पे, ये बोहड़ा रोड नहीं अब्दाली रोड पर ही हूँ। और मैंने भी आपको दिखाया ये बंदू कबाब यहाँ भी मौजूद है मुल्तान में भी। और ये अब्दाली रोड सीधा चल रहा है जहाँ से मैं चलता हुआ आ रहा हूँ तकरीबन घंटा घर से, ये सीधा अब्दाली रोड ही आ रहा है अब तक। इसी रोड पर मैं सीधा चल रहा हूँ। अब शुरू हुआ है कैंट। और मेरे राइट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है ये डीसी हाउस है और उसके साथ ही सीसी हाउस है। और बड़ा अच्छा पुरफजा मकाम है, चल रहे हैं, वॉश एरिया शुरू हो गया है। और इसी अब्दाली रोड पर ही कैथेड्रल चर्च मौजूद है, आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत सड़क है और दोनों तरफ जो है बड़ी खूबसूरत इमारत इसके बनी हुई है। बहुत खूबसूरत चर्च, जैसा कराची में चर्च है और उसी तरह का चर्च नज़र आ रहा है मुझे। और जी ये जो आप देख रहे हैं सारा इलाका, ये कैंट का इलाका है और बड़ा पोश एरिया है। और यहाँ पे जो जितने भी शॉप्स हैं सारी ब्रांडेड शॉप्स बनी हुई हैं। और हाफिज़ हलवा जो है मशहूर मुल्तान का, उसकी भी मेन ब्रांच कहते हैं इधर ही है। तो दोस्तों ये था मुल्तान का सफ़र और मुल्तान के बारे में कुछ थोड़ी सी मालूमात। पूरा मुल्तान तो एक दिन में कवर नहीं हो सकता और मुझे पता है कि तमाम मालूमात भी नहीं दे सकूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके मुझे 3-4 पार्ट्स बनाने पड़ेंगे तब जाके जो है मुझे लगता है कि ये कंप्लीट हो पाएगा। तो अगली वीडियो में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।